हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है बिजनेस। तो बिजनेस हम किसे कहेंगे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार और आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ हम बात करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं जिसके कारण से हम उसे बिजनेस कहते हैं, हम उस बारे में बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। राइट, तो आइए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना। समटाइम्स वो खरीद के लाता है, प्रोसेस करता है, फिर बेचता है, या फिर तो वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करके फिर बेचता है। राइट, तो यहाँ से जो मेन मोटिव होता है वो उनका प्रॉफिट कमाने का होता है, तभी हम इसे बिजनेस कहेंगे। बिजनेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो बाकी की दो चीजें होती हैं, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन से वो डिप्लॉय क्यों अलग है, क्योंकि प्रोफेशन में आपको स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत आवश्यकता पड़ती है, बट इसमें ऐसा जरूरत नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में भी आपको डिग्री की आवश्यकता है समटाइम्स, लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यू हैव लर्न्ड दैट एंटायर रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स मे बी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। Among these three categories, profession and employment through important are outside the scope of this course. है ना? We are primarily concerned with the business, so let us discuss about business in more detail. देखो यहाँ पे business का definition नहीं बताया गया। मैंने previous video में लेकिन business का definition बताया था। अगर आपको videos को one by one watch करना तो मैं चाहूंगा कि आप playlist में हमारे visit कीजिए। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे, इग्नू बीकॉम न्यू करके हमारा सेक्शन बना हुआ है, वहां पे जाएंगे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। आप उन सब में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बहुत सारी मैं अपलोड करने वाला हूँ धीरे धीरे करके। तो बहुत सारी वीडियोज हो जाएंगी जिनको देख करके आप आसानी से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसके कारण से हम बिजनेस को बिजनेस बोलेंगे। You have learned that business refers to the human activities engaged in production or exchange of wants satisfying goods and services carried with the intention of earning profits. है ना? तो ऐसी business, ऐसी कोई भी activity, ऐसी कोई भी human activity जहाँ पे आप goods and services provide करके आप किसी के need को पूरा कर रहे हो इस intention के साथ कि आपको जो है वहाँ पे profit होगा, तो उसे हम कहेंगे business. Now let us study the important characteristics of business. देखिए करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला है dealing in goods and services. तो business का जो सबसे पहला जो point है वो यही है कि आप जो है deal करोगे किसमें, या तो goods में या तो services में, right? Business deals with the goods and services. The business goods may be consumer goods such as sweets, breads, cloth, shoes, etc. अब जो गुड्स होंगे वो किसी भी तरह के गुड्स हो सकते हैं, है ना, जो भी कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ हो गई, ब्रेड हो गए, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें आप बिजनेस कर सकते हो। दे मे बी प्रोड्यूसर्स गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, etc. विच आर यूज टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स फॉर कंजम्पशन, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स गुड्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। सपोज आपके पास मशीनरी है जिससे और भी बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, तो जो मशीनरी है वो भी एक किस्म का गुड है, क्योंकि वो भी कोई ना कोई खरीदेगा, है ना, उसके बाद फिर काम करेगा, तो वो भी एक किस्म का गुड्स यहाँ पे हो रहा है। गुड्स मतलब वस्तु, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। बिजनेस ऑल्सो डील्स विद द सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, etc. विच आर टेंजिबल, इनटेंजिबल एंड इनविजिबल। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो बिजनेस की डीलिंग्स होती है या तो गुड्स में होती है या फिर तो सर्विसेज में होती है। गुड्स हमको दिखाई देती हैं जिसका हम लोग लेन देन कर रहे हैं, लेकिन सर्विसेज हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। सर्विसेज में क्या क्या आ गई यहाँ पे, बैंकिंग की सर्विसेज आ गई, इंश्योरेंस की सर्विसेज आ गई, विच आर इनटेंजिबल, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं और इनविजिबल भी होती हैं, लेकिन वो होती हैं और उनके कारण से जो है हमें बहुत सारा बेनिफिट होता है जिसके लिए हम उनको पे करते हैं, राइट, और उनको फिर प्रॉफिट होता है। जैसे कि इंश्योरेंस, आपने LIC के पास से डेफिनेटली इंश्योरेंस कर रखा होगा, तो आप अगर LIC लेंगे तो आप डेफिनेटली उनको पॉलिसी पे करेंगे, पॉलिसी का जो अमाउंट है वो आप पे करेंगे, राइट, तो उनसे जो है उनको प्रॉफिट वहाँ पे होता है ना। देखो हमें हमारे LIC जो है वो दिखती नहीं है, हमारे पास बस एक डॉक्यूमेंट होता है ना, तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि ये जो होती हैं ये इंटेंजिबल होती हैं सर्विसेज और इनविजिबल होती हैं। नाउ प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज, यहाँ पे आप प्रोडक्शन या तो कर रहे हो या फिर तो प्रोडक्शन आप एक तरीके से प्रोडक्ट को ला करके और फिर एक्सचेंज कर रहे हो, पैसे के पैसे के बदले आप अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर रहे हो। यू कैन कॉल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अ बिजनेस ओनली व्हेन देयर इज प्रोडक्शन और ट्रांसफर और एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ वैल्यू, है ना। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस तभी बोलोगे जब जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे या तो ट्रांसफर करोगे या तो एक्सचेंज करोगे, जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, लेकिन फॉर अ वैल्यू, किसी अमाउंट के
बदले में, है ना, प्रॉफिट के बदले में। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर किसी गुड्स का इस्तेमाल, आई मीन अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब आप अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो जबकि आप उसे बेच नहीं रहे, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे, है ना। तो जो प्रोडक्शन होगा वहां पे एक्सचेंज होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसे एक्सचेंज होगा। इन अ बिजनेस एक्टिविटी देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दैट इज बायर एंड अ सेलर। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में दो पार्टीज होती हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, है ना। सच एक्टिविटी शुड कंसर्न विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। यहाँ पे एक्टिविटी में क्या हो रहा है, दो लोग हैं, बायर और सेलर, जहाँ पे वो लोग जो आपस में गुड्स या फिर यू नो सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं विथ देयर मनी, है ना, पैसे के बदले वो लोग जो है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। द गुड्स मे बी बार्टर्ड और एक्सचेंज फॉर मनी। अब गुड्स के बदले गुड्स देने का जो चलन था पहले, उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे, तो यहाँ वही बात यहाँ पे पूरी जा रही है कि गुड्स या तो बार्टर्ड हो सकता है या फिर एक्सचेंज फॉर मनी। आप एक्सचेंज तभी करोगे जब आपको पैसे दिए जाएंगे, है ना। तीसरा पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, है ना। तो बिजनेस में जो तीसरा जो सबसे बड़ा फीचर है वो यही है कि यहाँ पे जो है आपका जो बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूस चलते रहेगा, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा बीच में, है ना, बिजनेस जो हमेशा चलते रहता है। अ सिंगल ट्रांजेक्शन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस, कोई भी एक ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस ट्रीट नहीं कर सकते। बिजनेस जो है एक ऐसा काम है जो कि कॉन्टिन्यूस चलते रहता है। एन एक्टिविटी इज ट्रीटेड एज बिजनेस ओनली व्हेन इट इज अंडरटेकन कॉन्टिन्यूअली और एटलीस्ट रिकरेंटली, है ना, या तो कॉन्टिन्यूसली होता रहे या फिर रिकरेंट होता रहे। सपोज एक महीने में एक बार भी अगर होगा तो 12 महीने में 12 ट्रांजेक्शन हुए तो उसे भी हम बिजनेस कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि डेली होना चाहिए, है ना। या तो रिकरेंटली होना चाहिए या फिर तो कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन सेल हिज रेजिडेंशियल हाउस इट इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस। एग्जाम्पल में बताइए कि सपोज कोई व्यक्ति अपना जो रहने वाला घर है वो उसे बेच देता है, तो क्या हम उसे बोलेंगे कि वो बिजनेस है? नहीं, क्योंकि वो वहाँ बिजनेस नहीं कर रहा, वो अपने घर को बेच करके डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम में पैसों को लगाएगा, तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। लेकिन सपोज किसी का घर बनाने का काम ही है कि वो घर बना करके बेचता है, तो वो एक किस्म का बिजनेस हो गया। बट हाउ फ्रीक्वेंटली द ट्रांजेक्शन शुड ऑकर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अ शिप बिल्डिंग कंपनी टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मैन्युफैक्चर एंड सेल अ शिप, है ना। तो जो शिप कंपनी होती है, शिप बिल्डिंग कंपनी होती है, जो शिप बनाती है वो बहुत टाइम लेती है शिप को मैन्युफैक्चर करने में और उसको बेचने में। एट द सेम टाइम वेजिटेबल वेंडर परचेजेस वेजिटेबल्स गुड्स फ्रॉम द मार्केट इन द मॉर्निंग एंड सेल्स आउट टू द कंज्यूमर बाय द इवनिंग, है। यहाँ पे देखो डेली हो रहा है, डेली क्या एक ही दिन में हो जा रहा है, सुबह में सामान खरीदा शाम में बेच दिया, वो भी बिजनेस है। जो शिप बिल्डिंग कंपनी है वो एक खरीद रही है मतलब बना रही है और फिर कुछ टाइम बाद बेच रही है, वो भी एक किस्म का बिजनेस है, है ना। तो सबको हम बिजनेस ही बोलेंगे अगर वो फ्रीक्वेंट है और रेकरेंट है, मतलब कॉन्टिन्यूस हो रहा है, साल में एक बार ही सही, साल में दो तीन बार ही सही पर हो रहा है। बट बोथ दीज एक्टिविटीज आर ट्रीटेड एज बिजनेस, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक्टिविटीज को हम ट्रीट करेंगे, चाहे वो शिप बिल्डिंग हो या फिर हमारा फ्रूट वेजिटेबल वाला हो, है ना। चौथा है प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट कमाना जो होता है वो प्राइमरी मोटिव होता है बिजनेस का। This has not undermined the importance of the element of service in the business activity, है ना? तो profit motive होता है, business का कोई भी activity जो होता है वो profit motive होता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ goods में होता है ये चीज, ये services में भी होता है, है ना? जो element of services है goods में वो भी important हो जाता है। In fact, a business will flourish when it is able to serve its customers to their satisfaction. एक business अच्छी तरह से तभी चल पाएगा जब आप business, जब आप provide कर रहे हो, जब आप goods दे रहे हो, तो उसके साथ आप अच्छी services भी दो, मतलब दोनों एक तरीके से dependable है, है ना। Suppose मैंने phone लिया, मेरा phone खराब हो गया, अब मैं phone लेकर के जब customer करके पास गया तो उसने लेने से ही मना कर दिया, वो बोला कि ठीक है आपका phone तो भाई किसी काम का नहीं, अब आप इसको फेंक दीजिए, हम इसकी कोई responsibility नहीं लेंगे, तो ये तो गलत हो गया ना। ये बिजनेस तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉफिट मोटिव कमाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में सोच सोच करके आपको सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो बिजनेस तभी फ्लरिश करता है जब आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ताकि कस्टमर को जो है एक अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल उसको मिले, है ना। प्रॉफिट्स आर एसेंशियल टू एनेबल द बिजनेस टू सर्वाइव, टू ग्रो, एक्सपेंड एंड टू गेट रिकॉग्निशन। प्रॉफिट जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, उसको ग्रो करने के लिए या उसको रिकॉग्निशन दिलाने के लिए, है ना। आखिरी पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो बिजनेस में रिस्क हमेशा होता है, बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है ड्यू टू एनी रीजन, है ना, एनी अदर रीजन, कुछ कोई किसी भी एक रीजन के कारण से जो है बिजनेस बंद हो सकता है, तो ये भी इसका एक वन ऑफ द फीचर है, है ना। इन एवरी बिजनेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉसेस, हर एक बिजनेस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको लॉस हो सकता है। दिस पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरिंग लॉसेस इज टर्म्ड एज रिस्क। द एलिमेंट ऑफ रिस्क exist due to a variety of factors
विच आर आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, है ना। तो ये जो रिस्क होता है ये बहुत सारे रीजन के कारण जो है आपके सामने आ सकता है, जैसे कि रिस्क हुज प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एंड कैन बी इंश्योर्ड, लॉसेस ड्यू टू फायर, फ्लड, थेफ्ट, ईटीसी फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पे दो तरह के रिस्क के बारे में बोला जा रहा है कि आपको हमेशा बिजनेस में दो तरह के रिस्क को है झेलना पड़ेगा। एक है वो रिस्क जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और जिसको आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आग लगने वाला है, आग लग गया, या कुछ महंगा प्रोडक्ट है आपने उसका इंश्योरेंस करवा लिया, तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो फायर बोला जा रहा है, फ्लड आंधी तूफान आ गया, चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, तो उस केस में आप इंश्योरेंस जो है करवा सकते हो। तो वो पहला किस्म का रिस्क है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन दूसरा किस्म का रिस्क होता है जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, रिस्क हुज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एंड विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट, ईजी चेंजिंग टेक्नोलॉजी, सपोज टेक्नोलॉजी चेंज हो गया उसके कारण से आपका कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहा, जैसे कि नोकिया के साथ हुआ था, नोकिया सिम्बियन के ऊपर काम कर रहा था और एंड्रॉइड जो है पूरे मार्केट में तहलका मचा रहा था, है ना, तो पूरी की पूरी कंपनी जो है एक तरीके से कोलैप्स कर गई नोकिया वाली। तो उनके बिजनेस में रिस्क यही था कि उन लोगों ने जो है यू नो जो चीजें बदल रही थी टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ड्यू टू चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी उनका जो बिजनेस है वो कोलैप्स कर गया। फॉलिंग इन डिमांड, डिमांड के का जो है जो डिमांड है उसमें किसी तरह का गिरावट आ जाती है, तो वो भी एक किस्म का रिस्क है आपके प्रोडक्ट का। आप उसके लिए रीजन हो सकते हैं, बट ये रिस्क जो होता है ये आपके कंट्रोल में नहीं होते और आप इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, राइट। फैशन चेंज हो गया, शॉर्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो है उसका सप्लाई ठीक तरीके से नहीं है, दीज रिस्क आर टू बी कम्प्लीटेड बॉर्न बाई द इंटरप्राइज। अभी जो रिस्क होता है ये कंप्लीटली उठाना पड़ता है किसको, जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस होता है उसको। सो दीज आर द फाइव यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें जानने बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।